Hey, namaskar dosto, mera naam hai Rishabh Gautam. I'm the law of attraction coach and motivational speaker from ancient Indian meditation. Swagat karta hoon aap sabka aaj ke is video mein. Dosto, aaj ke video mein main aapko telepathy message kaise bheja jata hai, aap kaise send kar sakte hain, uske bare mein sikhane wala hoon. Yani ki aaj main aapko proper technique har ek cheez se waqif karaunga taki aap telepathic message send kar paye. To zyada chit chat nahi karte hain. बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज का अद्भुत वीडियो। दोस्तों मैं चाहूंगा कि देखिए एक्चुअली जो मेरा ऑफिस का सेटअप है तो यहाँ पे मैं बैठ के गाइडेड मेडिटेशन नहीं करके बता पाऊंगा, लेकिन सारी टेक्निक्स आपको जरूर बता दे रहा हूँ और हो सकेगा तो किसी आउटडोर लोकेशन में। अब मैं सूरत में रहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बीच अवेलेबल है, तो मैं हो सकेगा तो एक वीडियो लेके आऊंगा जरूर से, जिसमें मैं आपको लाइव करके बताऊंगा विद गाइडेड मेडिटेशन विद ऑडियो कि आप कैसे टेलीपैथी मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टेलीपैथिक मैसेज क्या है। अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आपका समय भी वेस्ट होगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में चिट चैट करने से कोई मतलब नहीं है। तो सीधा डाइव इनटू द वीडियो, सीधे मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। टेलीपैथिक मैसेज सेंड करने के लिए अगर मैं आपको सबसे ईजी तरीके से मतलब ईजी तरीका आपको मैं बताऊँ तो सबसे ईजी तरीका है, आप मॉर्निंग में आफ्टर मेडिटेशन व्हेन यू हैव द मेडिटेशन स्टेट, आप ये एक सिंपल सी टेक्निक यूज कर सकते हो एंड टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हो। दोस्तों इसमें अगर आपकी वाइब्रेशन ट्यून अप है तो 24 आवर्स लेस में ये मैसेज आप सेंड कर सकते हो। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपको ये एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, इस टेक्निक को अर्ली इन द मॉर्निंग करना है। टेक्निक कोई खास नहीं है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों मेरे स्टूडेंट से मेरे कोर्स में कि टेक्निक महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी टेक्निक काम कर रही है, महत्वपूर्ण है आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना रिप्रोग्राम है, कितना कंट्रोल है आपका आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। तो आपको सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग इसे अप्लाई करना है, उठ जाना है आपको सुबह, फ्रेशन अप होने के बाद आपको मेडिटेशन स्टेट में लेग क्रॉस करके बैठ जाना है। चाहे तो आप वैसे तो आप लेट भी सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसके लिए आपको कंपलसरी लेग क्रॉस करके बैठना पड़ेगा। अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो ध्यान मुद्रा में आपको बैठना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो फोटो आपको दिख रहा है उसी प्रकार से आपको बैठ जाना है। जब आप बैठ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके दिमाग को शांत करना है, यानी आपको मेडिटेशन स्टेट में जाना है ताकि आपका दिमाग स्थिर हो पाए। जब स्थिर हो पाएगा और फिर आप किसी चीज के ऊपर फोकस लगाएंगे तो वो चीज बहुत अच्छी तरह बहुत इफेक्टिवली काम करेगी। तो सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप आपका दिमाग कैसे स्थिर कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक योग सिखाने वाला हूँ। आपने ये योग बाबा रामदेव को करते देखा ही होगा, बहुत इफेक्टिव है। दो एक्चुअली मैं बताने वाला हूँ, ये दोनों अगर आप परफॉर्म करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे रिलैक्स होना है। आप बस ये योग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे एंड फिर आप जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है टेलीपैथिक मैसेज के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें दो योग हैं कर सकते हैं जो आप, एक पहला है त्राटक। अब त्राटक शायद हर जगह पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको चाहिए एक डार्क रूम, डार्क रूम के साथ साथ आपको चाहिए कैंडल, जिस कैंडल को लगा करके आपसे तकरीबन 1-2 मीटर की दूरी पे आपको फोकस लगाना है कैंडल के ऊपर, ओनली कैंडल के ऊपर। क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे सेंसेस में सबसे इफेक्टिव जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है वो सेंस है हमारी आंखें। तो आपको आंखों की एक्सरसाइज के लिए त्राटक यूज करना है। अब त्राटक के बारे में स्क्रीन के ऊपर मैंने ये फोटो लगाया है, आप देखिए त्राटक क्या चीज है। हो पाएगा तो कब किसी वीडियो में मैं ये करके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसी से काम चला लीजिए। दूसरा है, अगर आप त्राटक नहीं कर सकते तो इसको तो आप एब्सोल्युटली कर सकते हो, इसे एक्चुअली प्राणायाम कहते हैं। ये है अनुलोम विलोम, क्या चीज है बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इस प्राणायाम में आपको सिर्फ 5 मिनट योग मुद्रा में बैठ के राइट हैंड से शुरुआत करनी है, राइट हैंड के अंगूठे को राइट हैंड की नोस्ट्रल पे यहाँ पे आपको रखना है एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ विद लेफ्ट नोस्ट्रल,
देन ये है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम पे भी ज्यादा मैं चिकचट नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता ही है कैसे करना है, नहीं पता है तो बाबा रामदेव का वीडियो देख सकते हैं जहां पे आपको टेक्निक पता चल जाएगी। अब प्राणायाम को सिर्फ देखा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन प्राणायाम आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तो ये वरदान है, सबसे बेस्ट है। अगर आप इवन कोई और टेक्निक भी यूज करते हैं टेलीपैथिक मेडिटेशन के अलावा, जैसे किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और तब भी आप अगर ये प्राणायाम करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर विजुलाइजेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो आपको अनुलोम विलोम करना है 5 मिनट के लिए, और अगर आपको बिलीफ नहीं हो रहा है तो ये ऐसी चीज है कि आप कहीं भी कर सकते हो। अगर अभी मैं कहूँ आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अभी सिर्फ 3 बार या 4 बार इस प्राणायाम को कीजिए, जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक शांत हो गई होगी, आप ज्यादा फोकस हैं ऐसा महसूस कर पाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम करने के बाद अब आप जब स्थिर हैं, ध्यान मुद्रा में आप जब बैठ चुके हैं, तो आंखें बंद करनी है और आपके हैंड्स जो है, जो आपके पाम है, इसको आपके लैप पे रखना है रिसीविंग की पोजीशन में, यानी कि आप रिसीव कर रहे हो, हाथ खुले रखे रिसीव, ये आपकी ध्यान मुद्रा है जहां पे आप रिसीव कर रहे हो। अब रिसीव करते हुए आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है सबसे पहले उस इंसान को, जिस इंसान को आप ये टेलीपैथिक मैसेज भेजना चाहते हो। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका एक्स, आपका क्रश, कोई भी इंसान हो सकता है। अब मैसेज के अंदर आपको जो चीज भेजनी है उस चीज के ऊपर फोकस करने से पहले आपको उस इंसान के ऊपर फोकस करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप आपकी एक्स को ये मैसेज भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका सबसे खूबसूरत मोमेंट है आपके रिलेशनशिप का, जब आपको लगा हो कि वक्त थम गया है, वक्त रुक गया है, शायद आपको उस मोमेंट एहसास हुआ होगा कि मैं इस इंसान से कितना प्यार करता हूं या करती हूं, उस मोमेंट की मेमोरी को दिमाग में सोचना है, उस इंसान की तस्वीर को दिमाग में सोचना है। कम से कम 5 से 7 मिनट सिर्फ उस इंसान को सोचिए, वो मोमेंट में आप चले जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। आप इस भले आपकी बॉडी यहाँ पे, लेकिन आपका आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उस मोमेंट में चली जानी चाहिए। और ये कब होगा, आपको कब पता चलेगा कि ये हो चुका है, जब आपके चेहरे पे एक नेचुरल स्माइल आ जाएगी। तो जब आप वहां स्टेट में पहुंच जा रहे हैं उसके बाद आपको फोकस करना है कि आपको क्या मैसेज उस तक पहुंचाना है। अब ये मैसेज आज 21वीं सदी है, हो सकता है SMS के फॉर्म में हो सकता है एक फोन कॉल के फॉर्म में हो, या हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे, आपसे बात करे, या आप उससे किसी भी प्रकार से बात कर पाए। तो जो मैसेज आपको भेजना है उस मैसेज के ऊपर फोकस लगाना है। तो एग्जांपल लेंगे SMS का, कि आप चाहते हो वो इंसान आपको टेक्स्ट SMS भेजे, देन जस्ट फोकस कीजिए उस इंसान की फिजिकल बॉडी पे कि वो आपको SMS सेंड कर रहा है, और क्या SMS सेंड कर रहा है, जो आप चाहते हो, जो आप इवन SMS लेना चाहते हो, या जो आपका मैसेज आपको एग्जैक्टली उन शब्दों पे यूज करना है। जैसे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं उसको एक मैसेज दूँ टेलीपैथिकली कि हाउ मच आई लव यू, तो मैं सिर्फ उसी चीज पे फोकस करूंगा, सिर्फ उसी चीज के ऊपर मैं फोकस करूंगा, उन वर्ड्स पे फोकस करूंगा, उन स्पेल जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग पे फोकस करूंगा। हो सकेगा तो जो टाइम है विजुलाइजेशन में, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, 11 बजे, तो मैं उस टाइम पे फोकस करूंगा। तो ये छोटा सा ही सीक्रेट है। अब दोस्तों यहाँ पे जो टेक्निक है, टेक्निक बहुत ज्यादा सिंपल है, विजुलाइजेशन ही टेक्निक करनी है टेलीपैथिक मैसेज में, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना कि कोई अलग टेक्निक होगी अलग सी होगी, टेक्निक जरूरी नहीं है, जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड पे मास्टरी करना। आप मास्टरी कैसे कर पाएंगे दोस्तों, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ गुरु। तो दोस्तों मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने मेरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप सब जानते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों की लाइफ बेहतर नहीं खूबसूरत बना सकूं, जहां पे मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सारी चीज सिखाता हूं, और मेरा की फोकस जो है वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की मास्टरी आपसे करवाना, ताकि आपको इन द फ्यूचर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस चीज का वेट कर रहे हो, जाइए फटाफट से कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपकी जिंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाइए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में यही आपको मैं बताना चाहता हूँ टेलीपैथिक मैसेज के बारे में। अब जो लास्ट स्टेप में थोड़ी सी चीजें रह गई हैं वो बता देता हूँ। जब आप उन्हें आपने विजुलाइज कर लिया है, देन विजुलाइज करने के बाद बस एक सिंपल सी चीज आपको करनी है, आपकी आंखें बंद है, आपको आपके दोनों हथेलियों को सामने रब करना है, एंड देन आपकी आंखों के ऊपर उन्हें ले जाना है, हल्के से आंखें खोल देनी है बस, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपने शायद और सारी वीडियोस में देखा होगा यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि असली चीज टेक्निक नहीं है, असली चीज ये भाई साहब है सबकॉन्शियस माइंड। सो कुछ नहीं करना है, हाथ रब कर देने, दैट्स इट, आपका काम हो गया। नाउ यू नीड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जो डिजायर रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में यही चीज बताना चाहता हूं, अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो,
आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारी अपडेट मिस ना कर पाए। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए कि क्या पसंद नहीं आया है। अगले वीडियो में मैं उसे जरूर से इंप्रूव करूंगा। सो बस दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, आपका गुरु, आपका मेंटर। आप सभी श्रोतागण से आज्ञा लेता हूं, अनुमति लेता हूं, आपको मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।